ये प्यारी सी गुड़िया इधर देख इधर ओए ओए हाय बोल बे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मेरा नाम है दीपक अंडारी फ्रॉम रुद्रप्रिया अगस्त मुनि केदार घाटी के खूबसूरत गांव खाली गांव से बिलोंग करता हूँ। तो दोस्तों आज है हमारे गांव में शादी एक सिस्टर की, तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपको डायरेक्टली शादी में जाके दिखाते हैं। आप लोग देखते रहिए वीडियो के माध्यम से क्या कुछ खास होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ आने के बाद सबसे पहले हम कटेंगे सब्जी की कटिंग, देख सकते हैं इसमें कटेगा हमारा आलू और ये प्याज और ये टमाटर, बाकी लहसुन वगैरह। तो चलिए पहले इनकी कटिंग करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। और दोस्तों अभी हमने सब्जी वगैरह भी कटिंग कर ली है, और यहाँ पे दाल रखी हुई है, और यहाँ पे हमने गोभी वगैरह कटिंग कर ली है। ये मामा जी यहाँ पे प्याज की कटिंग कर रहे हैं, बाकी इसमें आलू है ये भी कटिंग कर ली है, और ये टमाटर है ये मामा जी नाना जी लगे हुए कटिंग करने में। तो चलिए चलते हैं आगे, मंगल स्थान हो रहा है वहाँ चलेंगे उसके बाद। तो दोस्तों मैंने सब्जी वगैरह भी कटिंग कर ली है, और यहाँ पे हो रही है हमारे क्या गेट वगैरह की तैयारी होती है ना, ये भाई लोग लगे हुए यहाँ पे गेट सजाने पे, ये देख सकते हैं ये भाई आर्किटेक्ट गराड़ा से बहुत ही दूर से आ रखे ये भाई जी, और ये देख सकते हैं अभी मतलब शादी से पहले जो तैयारी होती है गेट वगैरह बनने की, वो प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है। ये देख सकते हैं आपको स्वागतम, जो भी बराती होगी जो भी मतलब मेहमान होगी उनका वेलकम है, मतलब ये एक वो होता क्या गेट प्रतीक। दोस्तों अभी मैं चलता हूँ थोड़ा मंगल स्थान की ओर, तो चलिए चलते हैं। प्यारी सी गुड़िया इधर देख इधर ओए ओए ला आजा। तो दोस्तों अभी हमारा इसमें बनेगा ग्रेवी, ये देख सकते हैं आप लोग, प्याज टमाटर और ये रहा लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इसमें बनेगा हमारी क्या ग्रेवी ना, सब्जी वगैरह के लिए ना, ग्रेवी भी नहीं, किस किस के लिए आप कुछ बोलो, और सब्जी के लिए, दाल और सब्जी के लिए, ठीक। चलिए देखते हैं थोड़ी देर बाद क्या क्या होता है यार। दोस्तों अभी हमारी यहाँ पे सब्जी भी अच्छी तरह से फ्राई हो रही है, देख सकते हो, और यहाँ पे चाय बन रही है, हमारी मामा जी लगे हुए हैं चाय बनाने पे, है जी मामा जी, है ना लगे हुए, और इसमें क्या है पानी नहीं गरम, और यहाँ पे हमारे बुजुर्ग देख सकते हो आप। तो अभी हमारी यहाँ पे बन रही है सूजी, तो देख लो लगे हुए हैं हमारे बुजुर्ग लोग गांव के, देख सकते हो लोग, और यहाँ पे रोटी बन रही है हमारे गांव के सारे जितने भी महिलाएं हैं, माताएं, बहनें और हमारी भाभियां, दीदियां सारे लगे हुए यहाँ पे रोटी बनाने पे, देख सकते हो आप लोग।
हाय बोल बे बेटी बड़े बड़े बोलते बेटे हूँ बड़े और दोस्तों अभी हमारी यहाँ पे बननी है चाय उमली और आज के हमारे ऑपरेटर है हमारे मामा जी चाय बनाने वाले और ये हमारे भाई लोग हैं यहाँ पे गांव के ये भाई साहब हैं बड़े वाले डीजे ऑपरेटर साहब है हमारे भाई साहब मनोज भाई जी और ये हमारे मामा जी और ये हमारे छोटे भाई हरी कंडारी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें जी धन्यवाद भाई जी और ये हमारे मामा जी हैं जो कि एक काफी अच्छे गीतकार हैं मतलब काफी अच्छे सिंगर हैं गढ़वाली जबकि इन्हें मौका नहीं मिला अरे तो हम इन्हें ये सुझाव देते हैं कि ये भी एक चैनल खोले अपने और जिसमें वो अपनी वॉइस डाले मतलब अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके डाले पर ये करते ही नहीं ऐसे काम तो आप लोग कुछ सुनाएंगे क्या थोड़ा सुना लो ना क्या पता दर्शकों को अच्छा लगे झान में नहीं झान वाले बात अरे क्या बात करें कुछ भी बोल दो ना थोड़ा सा कोई भी लास्ट में बोलने आपकी वॉइस के लिए पब्लिक लाइक कमेंट शेयर बड़ी के बिगड़ी म्यारू बारी कैरी की के माला गाणी ने छुई अपनी खैरी की अभी नहीं लोड़ा ना बारी अभी नहीं परेशान से ये ज्यादा मैं क्या बोलूं जी जी दोबारा बोलो लो फिर बहुत ही बढ़िया आवाज है मामा जी की पर मौका ही नहीं मिलता हमारे उत्तराखंड के ऐसे मतलब पिछड़े हुए इलाके हैं जहाँ मतलब कई लोग ऐसे रहते हैं कि बोलो बोलो दो ही लाइन बोलो जैने जुन्यादी सची त्यार जब उनने छुई रूप की पहली त्यारू नो वो तेरा रूप देख के लोग जल्दी गैनी बोला बनी गैनी लोग जल्दी गैनी बोला बनी गैनी फूल बेचारा डाली डाली माँ चलने लगी भौरा ते देखी कि चुची नौ लेना लगी ना नौ लेना लगी तेरी जन देखी के तेरी जन देखी के फूल सर भी गैना भौरा भर गैना तो दोस्तों देखा यार आपने मामा जी ने कितना खूबसूरत गाना लगाया मतलब नरेंद्र सिंह नेगी जी का काफी अच्छी आवाज है मामा जी की जबकि मैं भी एक खुद एक उत्तराखंड का एक छोटा मोटा कलाकार हूँ मुझे मतलब बहुत ही खुशी की बात है कि मतलब बहुत अच्छा लगता है इनकी वॉइस मतलब काफी अच्छी लगती है बहुत ही अच्छा गाते हैं तो इन्हें मौका ही नहीं मिलता मतलब उत्तराखंड की मतलब ऐसे लोग है उत्तराखंड में कि मतलब जिन्हें मौका नहीं मिलता स्टूडियो तक वो पहुंच नहीं पाते तो यार ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए आप लोगों को और क्या बोल रही क्या बोल रही देख सकते हो आप लोग दादू रे आपकी लेनी दिखे ना बहुत बढ़िया छानी माँ चौमासे बहुत बड़े तो दोस्तों अभी हमारे यहाँ पे सूजी बन के भी रेडी हो चुकी है ये देख सकते हैं आप लोग काफी अच्छी खुशबू आ रही है क्या बोले मामा जी खलियो अच्छा छोटे बच्चों के लिए गिफ्ट किया गया अच्छा नारायण जी क्या बोले छोटे बच्चों के लिए देंगे बोले अभी मतलब सबको बांटेंगे प्रसाद के तौर पे गर्मा गर्म तो चलिए आपको दिखाते रहेंगे आगे।
तो दोस्तों अभी हमारा खाना खाने का टाइम भी हो चुका है। हमारे छोटे छोटे भाई लगे हुए दाल बाटने में, कोई रोटी अभी करते स्टार्ट। और यहाँ पे हमारे भाई लोग जो बैठ चुके हैं।